हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर डॉल ऐप बनाने हैं तो कैसे बना सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन का क्लोन ऐप बना के यूज करना तो कैसे करेंगे, इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो में बहुत सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके अपने फ़ोन के अंदर आप डॉल ऐप बना सकते हैं, अपने फ़ोन के अंदर एक एप्लीकेशन से सेकंड स्पेस कैसे बना सकते हैं। वीडियो अंतर जरूर देखें ताकि आपको समझ में आ सके। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ से नीचे आना है। आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने मिल जाते हैं, जिसमें जाके एक ऑप्शन देखने मिल जाता है आपको एडवांस। एडवांस फीचर में जाएंगे, एडवांस फीचर में आने के बाद यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको डॉल मैसेंजर के नाम से एक एप्लीकेशन ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिलहाल इसमें दो एप्लीकेशन है जिनका हम डॉल ऐप बना देते हैं, स्नैपचैट और फेसबुक। इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और इसको बन जाता है। फेसबुक का भी हम डॉल ऐप बना देते हैं, इंस्टॉल पर क्लिक कर देते हैं और यह बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं और आपको चेक करा देते हैं। अब आप यहाँ जाएंगे, यहाँ से देख सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर अगर आपके डॉल ऐप है, यहाँ से स्नैपचैट आपको यहाँ मिल जाता है। यहाँ देख सकते हैं फेसबुक के दो अकाउंट हो चुके हैं, स्नैपचैट का एक इधर है, एक आपको इस साइड देखने के लिए मिल जाता है। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर आप एक एप्लीकेशन से दो एप्लीकेशन बना के यूज कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।